अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जा रहे हैं एक जगह, जाना था वहाँ तो हमें बंद मिला फॉर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। इसलिए कहते हैं कहीं जाने से पहले आप उन्हें फ़ोन कर लें। अमेरिका में जब भी कोई आ रहा है, विजिट कर रहा है या कहीं हम खाने का मूड है, प्लीज़ कॉल द रेस्टोरेंट फर्स्ट एंड मेक श्योर दे आर ओपन एंड दे हैव द डिश दैट यू आर लुकिंग फॉर, वरना वहाँ जाके आपकी क्वारी हो जाएगी और आपको वापस जाना पड़ेगा या कोई और ऑप्शन करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम भी एक हलाल का, इसी तरह एक मेडिटेरियन काइंड ऑफ रेस्टोरेंट है जिसका नाम है नाज NAZ। हालांकि हमारी मामी से मिलता जुलता नाम ही है और मेरे साथ मेरे कज़न ब्रदर इर्तज़ा साहब मौजूद हैं। ये डैलस टेक्सास से आए, हमने इनको यहाँ से शहर बदल कर दिया था क्योंकि यहाँ हालात ठीक नहीं थे, काफ़ी जो है वो ज़िंदगी से खेल चुके थे यहाँ पे, तो हम ज़िंदगी खेल रही थी हमसे, तो ज़िंदगी इनसे खेल रही थी और काफ़ी दफ़ा इनकी ज़िंदगी। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे कि आपने देखा लास्ट वीडियो में जो हमारे साथ एक शख्स थे बराबर में मेरे शुजात, आज नहीं है, बहुत सुकून है, मज़ा आ रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ बैतल को और कैलिफोर्निया घूम के बगैर क्लीन करें, बहुत मज़ा आ रहा है जी। और आज जाते हैं वहाँ, चलते हैं, देखते हैं क्या है ऐसा डिफरेंट। इज इट बेटर देन हलाल गाइस? इट इज नियर बाय हलाल गाइस, व्हाट आर द प्राइस रेंजेस? और ये गार्डन ग्रोव के एरिया के आसपास है, इनाम के करीब है और रश आवर्स में आएंगे तो टाइम लगेगा। वैसे आई थिंक सेंट्रो एलए से 30-35 मिनट का रास्ता है और वहाँ चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या है। आ गए हम, ये रहा है इसका प्लाजा, इसको कॉल सिडनी प्लाजा, और इस सिडनी प्लाजा के अंदर आपको ये नाजरान ओपन लेट और ये लेट तक खुला होता है, तो यहाँ के लोग जो गार्डन ग्रोव वगैरह में रहते हैं वो आई थिंक लेट नाइट तक आते होंगे यहाँ पे। चलते हैं देखते हैं अंदर का क्या माहौल है। ओके चले बेटे, शाबाश, आ जा। तो ये थी, ये रहा हमारा मामी ने चुपके से खोला हो उनको छुपा के। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ क्या ये नाज हलाल है, और यहाँ अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या है इनके पास। और इसमें इट्स लाइक वेजिटेरियन फूड है यहाँ पे, और थोड़ा सा थीम जो है वो हलाल गाइस से मिलता जुलता है, आई थिंक फास्ट फूड है। ये चचा भतीजे आ रहे हैं, मेन्यू आप चेक कर सकते हैं ऊपर, अच्छा मेन्यू लग रहा है, गायरो सैंडविचेस, प्लेटर्स, राइस प्लेटर्स और फास्ट फूड की मौजूद है। चाबी दो चाचू को चाबी दो, दे दिया सर, देखो। हाँ भाई, कैसा लग रहा है आपको नाज माहौल अभी? या अब आप शहर में आ गए, कैलिफोर्निया अमीरों का शहर है, आईटी का शहर है, अब आप गरीब इलाके से हैं, टेक्सास से। क्या कह रहा दान, ठीक कह रहे चाचू, ठीक कह रहे चाचू, बिल्कुल बोलो। टेक्सास, टेक्सास ऑलवेज कैलिफोर्निया, ऑलवेज कैलिफोर्निया। अच्छा, लेकिन आपको यहाँ पे ज़्यादातर वाइब जो है वो हलाल गाइस टाइप की मिल रही है ना थोड़ी सी। अब लेकिन खा के देखते हैं फूड पे के ऐसा क्या खास है इनके खाने में जो हलाल गाइस से मिल करता है। अच्छा, यहाँ पे गायरो जो है वो लैम्प में है, बीफ में नहीं है, बाकी जो बर्गर्स वगैरह है मेन्यू में जैसे आप देख सकते हैं वो शायद, एक शॉप है और आई थिंक ये कंटेम्प्रेरी सिटिंग एरिया है, ज़्यादातर जो हैं वो आई थिंक 10-15 लोग एक साथ बैठ सकते हैं अंदर, तो देखते हैं कैसा आता है। ओके, ये जी आ गया है हमारा स्टेक और ये चिकन विद राइस, गरम फ्राइज, और ये अजलान साहब के नगेट्स और ये फ्राइज, अब हम इनको खाएंगे
और देखेंगे इंसान सारे ये सबकी शक्लें खोलो। आरजा जी, अब तक की क्या रिपोर्ट है? एट आउट ऑफ टेन। इस चिकन ऑन राइस, व्हाट अबाउट, इज इट अ डिफरेंट टेस्ट फ्रॉम हलाल गाइस? मच बेटर। हलाल गाइस से बेटर है? ओह वाओ। अजान साहब, आपको क्या लगता है क्या अच्छा है बताइए? अजान साहब निकट्स मंगवा के जाया करने के मूड में। मैंने मंगाया था चिली फिश स्टेक, एक टिपिकल चिली फिश स्टेक है विद बीफ में। वेल डन बोला था, मैं समझता था ज़्यादा जूसी होगा, बट इतना जूसी नहीं है। आई विल गिव देम अबाउट दिस 10 out of 6। और बाकी फ्राइज सही है, सीजनड है, और मसाला मैंने अपना खुद ही बना लिया। एंड लेट्स सी, देख लीजिए हमने ख़त्म कर लिया, और ये सारा चीज़ हमें पड़ा है तकरीबन, ये सारी चीज़ें हमें पड़ी हैं $42 की। और $42 के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि, आपको क्या लगता है ऐसा, थोड़ा बहुत प्राइसी है, थोड़ा सा प्राइसी है एज़ कम्पेयर टू हलाल गाइस, क्योंकि हलाल गाइस की क्वालिटी और ख़ास तौर पर उनका जो बीफ कायरो है वो अमेजिंग है। इनके पास लैम्प है, हर कोई लैम्प नहीं खाता, दे आर ओनली बीफ। आई हैवन ट्राइन द लैम्प, तो मैं उसकी बुराई नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है बहुत टेस्टी हो, लेकिन कम्पेयर टू हलाल गाइस इट्स ओके। हलाल गाइस मच बेटर when comes to beef, gyro। और हमारा हलाल गाइस का प्लान था, हमने कहा नहीं इसको ट्राई करते हैं और इसको शोकेस करते हैं। तो ये भी हमने खाया था राइस, ये हमारा फिनिश स्टेक है, ये इनका हेड रेड हॉट सॉस है, और ये सीजन फ्राइज हैं, और ये नगेट्स जो अजान साहब ने ज़ाया कर दिए। तो इंशाल्लाह ये था इसका बिल $40। तो मेरे मीटर के हिसाब से आई विल गिव टोटल एक्सपीरियंस जो है मैं दूँगा 6.5 out of 10। तो एक्सक्यूज मी, तो वो है इंस्पिरेशन। तो आप आइए, ट्राई करिए और कमेंट से बताइए कि आपको कैसा लगा।